कार दर्शकों मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिषी चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैजंती माला के बारे में इसके पहले भी बहुत सारी मालाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं वीडियोज़ देख सकते हैं तो ये जो बैजंती माला होती है इसका संबंध सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से है अगर आपने गाना भी इनकी आरती भी सुनी हो कि आरती कुंज बिहारी की वो आरती सुनी हो तो उसमें एक लाइन आती है गले में वैजयती माला तो भगवान श्री कृष्ण से इनका संबंध है तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं उन लोगों को ये माला अवश्य रूप से गले में धारण करनी चाहिए और अगर ग्रहों की बात करें तो गुरु ग्रह से इसका संबंध होता है गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए इस माला को धारण करना चाहिए इस माला की जो तासीर होती, होती है वो ठंडी होती है यानी ये माला धारण करने के बाद आपको एक मन में शांति का अनुभव होगा एक ठंडाई का अनुभव होगा और आपको सुकून देगी ये माला और इस माला का एक और बहुत अच्छा रीज़न होता है एक एक प्रभाव होता है कि ये माला अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी धारण कर ले तो वो धीरे धीरे करके आस्तिक होता जाता है वो भगवान भक्ति की तरफ उसकी आस्था बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके वो भगवान का होते जाता है अपने आप ही इस माला में से ऐसी एनर्जी निकलती है जो हमें भगवान की ओर अग्रसित करती है तो इस प्रकार इसका प्रभाव होता है ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेजंती माला है ये ओरिजिनल ओरिजिनल बैजंती माला है इसमें ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसमें ये पाँच का रुद्राक्ष भी लगा हुआ है किसी माला में नहीं भी लगा होता है किसी माला में लगा होता है दोनों ही तरह की होती हैं इस माला को धारण भी किया जा सकता है और इस माला से जाप भी किया जा सकता है आप जाप भी कर सकते हैं इससे गुरु ग्रह के मंत्र का गुरु ग्रह को बलवान करना है तो इस माला को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए किसी भी माला के साथ इसे पहना जा सकता है और नॉर्मली मंत्र का जाप भी किया जा सकता है तो इतनी प्रभावशाली होती है ये माला और इसके इतने गुण होते हैं देखने में बहुत सुंदर होती है इसमें वाइट कलर के वाइट ग्रे मिक्स कलर के इसके दाने होते हैं 108 दाने की ये माला होती है वजन में कम होती है हल्की होती है ये कौन पहन सकता है इसको कोई भी पहन सकता है जो कृष्ण भक्ति करते हैं जो विष्णु भग, भगवान की जो पूजा करते हैं जी हाँ कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान का ही रूप है तो जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनकी आस्था में लगे हुए हैं उन लोगों को भी ये माला धारण करना चाहिए और आम मनुष्य को भी करना चाहिए अगर कोई भगवान भक्ति नहीं भी करता है तो भी पहन सकते हैं बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी तरह के वर्ग इसे धारण कर सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है जन्म कुंडली देखने की कोई इसमें विशेष आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कोई रत्न नहीं है ये वेजंती होती है वेजयंती की माला है इसलिए पर्टिकुलर हमें किसी कोई ऐसा कोई मारक ग्रह योग कारक ग्रह को देखने की आवश्यकता कुंडली में नहीं है आप इसे इजीली धारण कर सकते हैं तो इस प्रकार की कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन होती है इस इस प्रकार की कुछ ये इसके प्रभाव हैं गुण हैं और इसका आकर्षण है इस माला का जो हमें माला धारण करने के बाद ये माला प्रदान करती है तो इस वीडियो में हमने यही कोशिश की है कि वैजंती माला के बारे में आपको बताया जाए इसे ख़रीदने के लिए आपको स्क्रीन पर हमारा नीचे की तरफ नंबर दिख ही रहा है व्हाट्सएप पर सीधे जानकारी ले सकते हैं इसका प्राइस इसका फ़ोटो कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं और वहाँ पर सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी जन्म कुंडली अध्ययन के लिए हस्तरेखा अध्ययन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर रत्न रुद्राक्ष और ज्योतिष से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन अभी किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आपको कौन सा शुभ रत्न आपको पहनना चाहिए आपका कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए वो सारा विश्लेषण हो जाता है तो अब अपनी जन्म कुंडली का फोटो या आपकी हस्तरेखा का फोटो भी हमें भेज सकते हैं और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आपके लिए शुभ रत्न और शुभ रुद्राक्ष निकल कर आ जाता है वैजयंती माला की एक और ख़ासियत है ये माला भगवान को धारण कराने के लिए बहुत काम में आती है अगर आपने किसी माला को भगवान की मूर्ति के ऊपर देखा होगा या तस्वीर के ऊपर देखा होगा तो वैजयंती माला ही होती है जो कि भगवान को पहनाने में भी काम आती है आप नॉर्मली इसे आपके घर के मंदिर में भी आपके जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उन्हें धारण करवा सकते हैं और वहाँ भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आस्था की तरफ ले जाती है ये माला, धर्म की तरफ ले जाती है व्यक्ति को भक्ति की तरफ ले जाती है आप चाहे वो धारण करके इसका लाभ लें या इसे किसी भी तरीके से उपयोग करके इसका लाभ लें बरकत के लिए भी इसे हम लॉकर में रख सकते हैं हमारा जो गल्ला होता है उसके अंदर रख कर इसका लाभ लिया जा सकता है तो इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं इसे अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं धारण करना लॉकर में रखना और भगवान को पहनाना भगवान को अर्पित करना जो कलश होता है पीतल का लोटा होता है तांबे का लोटा होता है उसके आसपास भी इस माला को लपेट के रखा जाता है इसे पानी में के अंदर भी रखा जाता है इसका पानी भी पीने से स्वास्थ्य लाभ हमें बहुत प्रकार के मिल जाते हैं कई तरह की बीमारियाँ भी ये वेजयती माला ख़त्म कर देती है इसका पानी अगर रोज पिया जाए तो, तो इतने सारे गुण होते हैं इस माला के अंदर बहुत ही सामान्य सी माला दिखती है ये अधिकतर हम इस माला को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस माला में पता नहीं इतना पावर है कि नहीं है जिस जो चीज़ सामान्य दिखती है उसमें ज़्यादा पावर होता है ये प्रकृति का नियम है और जो जितना भड़कीला दिखता है उसमें हो सकता है उतना पावर ना हो जैसे कि कैक्टस कैक्टस देखने में कितना आकर्षक भी लगता है और डरावना भी लगता है उसके कांटों से लेकिन उसके अंदर गुण नहीं होते हैं अधिकतर कोई ज़्यादा विशेष कार्यों में वो प्रयोग नहीं होता है यहाँ तक कि उसको घर में भी नहीं रखा जाता है दूसरी तरफ तुलसी का पौधा सामान्य सा दिखता है लेकिन गुण भरपूर है हर कार्य में हर पूजा में काम आता है खाने के काम में भी आता है तो इस प्रकार से ये प्रकृति का नियम है कि सामान्य चीज़ जिसमें सादगी है उसमें गुण ज़्यादा ही भगवान ने भर के दिए हैं बजाय आकर्षक चीज़ों के तो इसी तरह की वजंती माला होती है यही जानकारी आपको देना थी इसके बारे में ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ नए टॉपिक के साथ मेरा नाम है रवि पवार जुड़े रहिए हमारे चैनल से ओम सायराम जय माता दी